Hello guys, welcome back to my vlog, Life of Meth. और आज Friday, October, I don't know, October 23rd. So, दो good news हैं और एक bad news है. जैसा कि अभी हम बाहर से आए हैं और बाहर cloudy weather है, but it's okay. So, मैं बाहर से आया हूँ और मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा कहते हैं एडवर्टाइजमेंट करते हुए बनाया जाए वीडियो. सो गाइस हियर इज अ थिंग. ने काम किया हो सो आप पेरेंटल लीव के लिए ऐसा था कि अगर आप 120 आवर्स अगर आपका कंप्लीट है तो गवर्नमेंट आपको आपको उसके ऊपर 480 आवर्स टॉप अप करके दे रही है जिससे कि आप पेरेंटल लीव ले सकते हो, या तो फिर अगर आपके पास 600 आवर्स मिनिमम होने चाहिए. अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो तो 600 रेगुलर आवर्स होने चाहिए. सो मेरे पास दोनों ही था, लेकिन बिफोर कोविड, जब तक कोविड की सिचुएशन नहीं थी, तो ऐसा था कि आप कोविड को अगर हटा दो पहली गुड न्यूज थी. सेकंड गुड न्यूज नहीं है, सेकंड बैड न्यूज है, फिर उसके बाद गुड न्यूज पे आएंगे. सो जो दूसरी बैड न्यूज थी वो बैड न्यूज ये है कि जो मेरी 50 इंच की टोशिबा की टीवी है वो हो गई है, आई थिंक सो हो गई है खराब. पता नहीं क्या हुआ, कल हम नेटफ्लिक्स देख रहे थे और नेटफ्लिक्स देखते 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 टीवी की स्क्रीन की लाइट चली गई, लेकिन फिर भी टीवी में नेटफ्लिक्स की आवाज आ रही थी. सो मुझे थोड़ी देर के लिए लगा, मतलब मेरे साथ मीनू भी देख रही थी और हमें ऐसा लगा कि यार हो सकता है कि बैकग्राउंड ब्लैक होगा, डार्क होगा, इसीलिए हमें नहीं दिख रहा. तो मैं थोड़ी देर बैठा रहा, 5 मिनट बाद मैंने बोला यार ये तो लाइट ऑन नहीं हो रही, ऐसा कौन सा ब्लैक बैकग्राउंड चल रहा है नेटफ्लिक्स की सीरीज में. सो मैं जाके देखा और मुझे तब मालूम चला कि भाई स्क्रीन गई. सो अगर ना वो क्या है कि मैं इसको चालू भी करूं, सो आप लोग देखिएगा थोड़े देर के लिए बस वो ब्लिंक करता है और फिर वो चला जाता है. देखो बस सिर्फ इतना सा ही टीवी में आ रहा है, आई डोंट नो,
मैंने यहाँ पे टीवी रिपेयर वालों को कॉल किया, लगभग 3 साल पुरानी टीवी होने लगी, तो टीवी रिपेयर वालों को कॉल किया, तो बोलते हैं हम इतना चार्ज लेंगे, ये है वो है, लेकिन उनका जो डायग्नोस का चार्ज है उनका फिक्स है, $70-$75 देयर चार्जिंग में फिक्स है, उसके बाद जो सुधरेगा वो बताएंगे कि क्या बिगड़ा है क्या नहीं बिगड़ा, उसके बाद उसको सुधारने का चार्ज ऊपर से अलग से है। सो लेट्स से इफ द डायग्नोस चार्ज इज $75 एंड इफ द समथिंग इफ सम पार्ट और मदर बोर्ड और पीएसयू इफ दे आर ब्रोकन और दे आर गॉन दे विल बी चार्जिंग ऑन टॉप ऑफ दैट, सो लेट्स से $50-$55 or $80 समथिंग अराउंड, सो आई विल बी पेइंग नियरली $150 समथिंग अराउंड, सो आई सेड यू नो व्हाट जस्ट लीव इट। तो मेरी प्यारी सी चलती हुई टीवी, क्योंकि मैं सोच रहा था कि यार पेरेंटल लीव लेना है तो आराम से बैठेंगे टीवी देखेंगे, मेरे पास PS4 भी है तो PS4 भी खेल सकते हैं, तो घर पे क्या है कि थोड़ा एंजॉयमेंट हो जाएगा, फ्री टाइम बचेगा तो नेटफ्लिक्स देख सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें प्लान है वो अलग चीजें, लेकिन घर के अंदर रह के कहते ना कि इंसान खाना खाते समय भी टीवी देख सकता है, ये वो सारी चीजें कर सकता है, लेकिन वो प्लान मेरा चौपट होता हुआ दिख रहा है। So, मैंने सोचा कि अभी टीवी पे, क्योंकि मेन पंगा यहाँ पर ये है कि PEI प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में सबसे बड़ा एक डिमेरिट ये है कि एक बहुत बड़ी जगह नहीं है, छोटी जगह है, और जब आप छोटी जगह में रहते हो तो आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेस में बहुत सारे लोग ओवर प्राइस चार्ज करते हैं आपको, जब वो ओवर चार्ज करते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि पूरे PEI में आप पूरे एरिया में आप कहीं और बाहर जाके इसको फिक्स नहीं करा सकते, तो वहां पर आपको ना थोड़ा टफ डिसीजन लेना पड़ता है पैसे इन्वेस्ट करने के पहले, क्योंकि अगर मैं सेम चीज अगर मेरी बिगड़ी होती है ऑटोरियो में, तो ऑटोरियो में लोकल स्टोर में भी इतने सारे रिपेयर शॉप्स हैं, आप कहीं भी जाके सुधरवा सकते हो, एंड दे आर नॉट गोइंग टू चार्ज यू मोर, इवन इफ दे आर गोइंग टू चार्ज यू मोर यू कैन गो टू द डिफरेंट स्टोर, अब दूसरे स्टोर पे चले जाओ वहां पे वो कर देंगे, लेकिन यहां मैं फंस गया। सो मैंने बोला कि यार टीवी पूरी तो खराब नहीं हुई है, ब्लिंक कर रही है तो मतलब चालू हो सकती है, सो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको अभी रहने दिया जाए। सो मेरी सिस्टर के बर्थडे पे, मेरी सिस्टर उर्वशी शिवाले, उसका आज बर्थडे भी है इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग और अभी के टाइम के अकॉर्डिंग भी, बर्थडे पे मेरी टीवी जल बसी यार, आई रियली लव माई टीवी, क्रोमकास्ट भी है इस टीवी में, सब कुछ है, मतलब सब कुछ इनबिल्ट, आपको किसी चीज के एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते, जैसे कि आज के डेट में बहुत सारी टीवी आती है लेकिन उसमें क्रोमकास्ट के लिए आपको क्रोमकास्ट के डिवाइस लगानी पड़ती है, लेकिन इसमें वो भी इनबिल्ट था, सब कुछ था, 3-3 HDMI पोर्ट, एवरीथिंग, 4K टीवी है मेरी, है या थी अब जो भी कह लो, लेकिन फिलहाल अभी तो नहीं है, अभी ये चलेगी नहीं। सो मैंने सोचा कि क्यों इसके ऊपर मैं पैसे वेस्ट करूं, जो कि चीजें सस्ते में सुधर सकती हैं, और ऑन्टोरियो में जाऊंगा मैं, मूव करने वाला हूं भाई, PR लेने के बाद आई विल बी मूविंग टू ऑन्टोरियो फॉर श्योर, सो वहां जाके मैं इसको रिपेयर करा लूंगा। सो सेकंड बैड न्यूज ओवर, द थर्ड गुड न्यूज इज आई बॉट द प्रोजेक्टर, मैंने बोला कि टीवी के मजे, ये प्रोजेक्टर मैंने लिया है, होम थिएटर प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर मैं लेके आया, मैंने बोला कि घर पे दीवारें इतनी बड़ी बड़ी हैं और वाइट पेंट भी है दीवारों पे, सो टीवी के पीछे पैसा खर्च ना करते हुए प्रोजेक्टर ले लिया जाए। अब देखो प्रोजेक्टर लेने का भी दो 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 सेंस बनता है, इन केस अगर मैं टीवी सुधरवाता हूँ तो टीवी अंदर प्रोजेक्टर अंदर, मतलब बड़े वॉल पे आप देख सकते हो, आप इसमें 150 inch तक आप वाइड एंगल पे जा सकते हो, जैसे इसमें 50 इंच की टीवी है इसमें 150 तक जा सकते हो, और इसमें आप PS4 भी अटैच कर सकते हो, इसमें आप एंड्रॉइड बॉक्स भी अटैच कर सकते हो, इसमें आप वीडियो भी चला सकते हो, इसमें आप USB ड्राइव भी लगा सकते हो, मींस यू कैन डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग विद व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर टीवी। सो मैंने बोला कि यार टीवी से अच्छा है ये ले लिया जाए, इन केस जिस दिन मैं ऑन्टोरियो मूव होऊंगा, क्योंकि मेरा भाई भी वहां है, सो अगर वो हमारे साथ रहता है, या फिर ये कह लो कि अगर उसकी जॉब वहां रहती जहां मेरी जॉब रहती है और हम दोनों साथ में रहते हैं, सो एक प्रोजेक्टर हम लोग लिविंग हॉल में लगा सकते हैं, एक टीवी अंदर लगा सकते हैं, सो वो भी हो सकता है। सो प्रोजेक्टर बुरा नहीं किया मैंने, लिया तो सो मैंने ज्यादा पैसा उड़ाया नहीं,
RCA का मैं लेके आया हूँ प्रोजेक्टर, जो कि मिड प्राइस रेंज का प्रोजेक्टर है। मार्केट में आप जाके देखोगे तो इससे छोटे प्रोजेक्टर भी आते हैं, उसको मिनी प्रोजेक्टर कहते हैं, वो मिनी प्रोजेक्टर्स भी आते हैं। और आज की डेट में आप टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें डिफर करती हैं, लेकिन जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो रिक्वायरमेंट इससे पूरी हो गई, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है प्रोजेक्टर इमेज फ्रॉम 30 इंच टू 150 ऑन वर्चुअल एनी फ्लैट सरफेस स्क्रीन वॉल से। गुड न्यूज क्या है कि कल ही मैं सोच रहा था कि यार मेरी छुट्टी होगी, मैं घर पे बैठ के एंजॉय करूंगा, और कल ही मेरी टीवी चल पड़ी। सो फिलहाल उसका अल्टरनेटिव लेके आ गए हम, तो इसकी करते हैं फटाफट अनबॉक्सिंग और फिर देखते हैं कि कैसा चलता है। अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने बताया कि ये RCA का होम थिएटर प्रोजेक्टर है, जो कि मैंने बेस्ट बाय से खरीदा है। अगर किसी को चाहिए तो यू नो इफ यू गाइस आर वाचिंग फ्रॉम कनाडा, आई विल पोस्ट अ लिंक फॉर द बेस्ट बाय इफ यू वांट टू बाय इट, सो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आता है इसके अंदर। वैसे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया, ऊपर बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है, बट स्टिल लेट्स ओपन इट एंड सी व्हाट इट कम्स विद। एंड वन मोर थिंग, जब मैं बेस्ट बाय से इसका जब पेमेंट कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि आपको $20 में इसकी इंश्योरेंस मिल जाएगी 2 ईयर्स की। सो अगर 2 ईयर में अगर कुछ भी होता है, अगर टूट जाता है, कोई डिफॉल्ट आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन वो आपको एक नया प्रोजेक्टर देंगे, या तो फिर आपको आपका पैसा रिफंड कर देंगे। सो मैंने कहा कि यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रॉम द डे वन व्हेन आई केम इन कनाडा, आई डिडंट बाय एनी इंश्योरेंस फॉर एनी ऑफ द दीज मटेरियलिस्टिक थिंग अपार्ट फ्रॉम माई कार विच इज मैंडेटरी। सो
HDMI port, one USB, one this is the DC power जहाँ पर adapter जाता है और एक audio video और दूसरा है headphone jack, मतलब अगर आप कोई अगर speaker पे नहीं सुनना चाहता तो headphone jack पे भी सुन सकता है या फिर HDMI cable में भी, जैसा कि मेरे पास जो Samsung का speaker है वो HDMI cable वाला है, वो Bluetooth वाला भी, but इसमें Bluetooth capability नहीं है, so मुझे HDMI cable के through लगाना पड़ेगा. So, मैं एक केबल HDMI का इसमें लगाऊंगा स्पीकर के लिए और दूसरा HDMI केबल लगाऊंगा मैं मेरे एंड्रॉयड बॉक्स के लिए या फिर दूसरा केबल मैं अपने PS4 गेम के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ. माइक्रो SD कार्ड भी लग सकता है यहाँ पर अगर आप पास से देखें तो माइक्रो SD कार्ड और USB में आप USB ड्राइव लगा सकते हो, USB ब्लूटूथ माउस लगा सकते हो एंड मेनी मोर थिंग्स. और हाँ, VGA a 150 inch wide angle on my wall, which is covering overall all my wall. So let's all set for the whole vacation time.